परीक्षा 2021 का संशोधित परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, केवल रीट लेवल 2 में परिणाम संशोधित हुए हैं। लेवल 1 का परिणाम यथावत रहेगा, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। लेवल 2 के 1,21,027 परीक्षार्थियों को परिणाम जो है उनका संशोधित हुआ है और इससे उनका उन्हें लाभ पहुंचा है। 30,395 परीक्षार्थियों को नुकसान होगा। मनवीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनवीर, ये जो परीक्षा परिणाम है, इंतजार हो रहा था कि संशोधन के बाद किसको नफा किसको नुकसान, क्या कुछ इस संशोधन में दिख रहा है? देखिए, जिस तरीके से बोर्ड ने इस बात को माना था कि जो अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र है रीट के लेवल 2 का, उसमें एक प्रश्न का विकल्प बदला था और उसके बाद में बोर्ड द्वारा ये घोषित किया गया था कि बहुत जल्द ही इसका संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा, जो आज जारी कर दिया गया है। लगभग 1.5 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सीधे तौर के ऊपर इस संशोधन के बाद में प्रभावित होंगे। सकारात्मक अगर बात देखने की कोशिश की जाती है तो 1,21,027 जो अभ्यर्थी हैं वो ऐसे हैं जिनको कि इस विकल्प के बदलने के बाद जो लाभ मिला है, और वही 30,395 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको कि सीधे तौर के ऊपर इसका नुकसान होगा। इसी के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब क्योंकि प्रश्न पत्रों पर आपत्ति की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, परिणाम का संशोधन हो चुका है, अब किसी भी तरह की किसी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की वेबसाइट के ऊपर ये संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया है, अभ्यर्थी वहां से इस परिणाम को देख सकेंगे। जी चलिए, शुक्रिया मनवीर तमाम जानकारी के लिए।